Good morning, student. Today we are going to go up with a point that is hearing impairment, कान बहरा हो जाना, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है. सो मूविंग फॉरवर्ड टू दिस स्लाइड, हियरिंग इम्पेयरमेंट. यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था, रिपेयरमेंट और इम्पेयरमेंट दोनों ऑपोजिट वर्ड है. तो बेटर है इस वर्ड को आप याद रखें, क्योंकि इससे आपका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है जब आप उसको आंसर शीट पे लिखते हो. कान खराब हो जाना, उसको दूसरे वर्ड में लिखोगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो इम्पेयरमेंट वर्ड को आप यूजफुल कर दीजिए. रिपेयर का उल्टा होता है इम्पेयरमेंट. सो आप ऐसा नहीं कि कान के बारे में, बहुत सारी जगह पे इम्पेयरमेंट वर्ड का भी यूज कर सकते हो कि हमारा रेडियो इम्पेयर हो गया, दैट मीन्स खराब हो गया. सो मूविंग ऑन, टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज रेयर इज यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ. सुनाई ही ना देना, कान काम ही ना करना, वो बहुत ही रेयर कंडीशन है. रेयर कंडीशन मतलब हजार में एक बच्चे को या बच्ची को ये प्रॉब्लम होगी, और वो जन्म से ही होता है. व्हेन अ चाइल्ड इज इन वॉम्ब, जब पेट में होता है तभी से ये प्रॉब्लम होती है. तो ये टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट वो गॉड की वजह से होते, किसी की और की वजह से नहीं होती. तो इस टॉपिक को हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे कि टोटल हियर इम्पेयरमेंट हो गया नॉइस की वजह से, तो दैट इज नॉट नॉट पॉसिबल. टोटली हियरिंग इम्पेयरमेंट नॉइस की वजह से नहीं हो सकता. मूविंग फॉर अ सेकंड पॉइंट, पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ अ डिसीज, इंजरी और एज. थोड़ा सुनाई ना देना, या एक कान में सुनाई ना देना, या दोनों कान में कम सुनाई देना, वो किसकी वजह से हो सकता है? डिसीज, कोई बीमारी की वजह से हो सकता है. इंजरी, कान साफ करने के लिए आपने कान में कुछ डाला और मेम्ब्रेन फट गया, वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस ऑनलाइन सेशन, तो भी पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है. और एज, उम्र बहुत ज्यादा हो गई, 70-80 साल हो गया, सो हियरिंग कैपेसिटी में रिड्यूस. मूविंग फॉरवर्ड, चिल्ड्रन विथ इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर. जो सुनने में कमजोर है, उन बच्चों को, स्पेशली चिल्ड्रन, नीड स्पेशल केयर, उनको स्पेशल केयर देना जरूरी है. बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली. अभी बोलेंगे, अभी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी कैन डिस्कस. आप बोलोगे सर बहरे हैं वही साइन लैंग्वेज सीखेंगे, हम क्यों सीखेंगे? सही है ना, पर बहरे वो है, सुन वो नहीं सकते. यस और नो? आप बोल सकते हो, यस और नो, पर वो सुन नहीं पाएंगे. तो जो साइन लैंग्वेज है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर किसी को, पर इफ यू आर हैविंग एनी सेंसिटिविटी टूवर्ड्स ए सोसाइटी, अगर आप सोसाइटी के प्रति थोड़े से सेंसिटिव हो, तो बेसिक साइन लैंग्वेज आपको सीख लेने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इसको बोलेंगे फादर, नहीं इसको बोलेंगे मदर, इसको बोलेंगे फादर. तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे साइन लैंग्वेज हैं, बहुत ही इजी है. और अगर आप उनसे साइन लैंग्वेज में बात करेंगे, दे विल फील वेरी हैप्पी, दे विल फील वेरी स्पेशल, क्योंकि उनके लिए कोई और मेहनत कर रहा है. यस और नो? तो इफ यू हैव एनी सेंसिटिविटी, अगर हम सभी को सीखना चाहिए साइन लैंग्वेज, तो उससे क्या है, एक और एडिशनल लैंग्वेज. और साइन लैंग्वेज है, दैट इज यूनिवर्सल. आप दुनिया के कोई भी देश में चले जाओ, साइन लैंग्वेज चलता है. जब हमने भाषाएं नहीं सीखी थी, तब भी साइन लैंग्वेज ही चलती थी. यस और नो? क्लासरूम में भी, लास्ट बेंच से फर्स्ट बेंच में टीचर हाजिर है और आपको बात करनी है, तो कैसे बात करते हो? साइन लैंग्वेज में ही बात करते हो. सो साइन लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो बेसिक स्ट्रक्चर है साइन लैंग्वेज का, ओरिजिनल, ऐसे नहीं कि कुछ भी साइन कर दिया और सीख लिया, नो. द प्रॉपर साइन लैंग्वेज यू हैव टू लर्न, पूरा नहीं बट ऐसा कि कम्युनिकेट कर सको, किसी को खुश कर सको, उतना आपको सीख लेना चाहिए, हम सभी को सीख लेना चाहिए. सो साइन लैंग्वेज इज नॉट ओनली फॉर द डेफ एंड डम पीपल, इट इज फॉर अस ओनली, बिकॉज वो भी हमसे इंटरेक्ट कर सकते. अगर वो हमसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनको लगेगा उनमें कोई कमी है, और किसी को कमी दिखाने वाले हम नहीं है, ऊपर वाला है. तो हमें किसी को कमी दिखानी भी नहीं है और ना ही महसूस करने देनी है. सो इट्स बेटर टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्पेशली साइन लैंग्वेज. मूविंग फॉरवर्ड, ओके, बिकॉज स्पीच डेवलप्स एट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग,
child with a hearing loss may have a defective speech also. ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है. ये कैसे इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताता हूँ. अगर कोई बच्चा जन्म से ही सुन नहीं सकता तो ऑब्वियसली वो बोल भी नहीं पाएगा. कैसे? क्योंकि उसका थ्रोट परफेक्ट है, वो आवाजें निकाल सकता है, पर बोल पाने के लिए सुनना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर बोलता है बच्चों के लिए कि मामा पापा, तो उसके लिए वो बच्चा मामा और पापा वर्ड सुनता है और उसके बाद उसको वैसे ही रिपीट करता है, तो वो सुनने के बाद ही बोलना सीख पाता है. पर अगर वो बच्चे जो जन्म से ही बहरे हैं, जो पूरा सुन नहीं पाते, वो मिमिक कर सकते हैं पर बोल नहीं पाते. फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसे होठ बंद करके बाबा बाबा बोल सकते हैं, पर मामा बोलना है या दादा बोलना है या कोई और वर्ड बोलना है, पापा बोलना है, क्योंकि आप देखोगे मामा पापा हर में दोनों होठ बंद हो रहे, पर माँ और पा में फर्क है. यस और नो? सो इन द सेम वे दे कैन इनिशिएट विथ सम वॉइस, बट वो भी स्पीच डिफेक्टिव इज मतलब स्पीच डिफेक्टिव में आ जाएगा. वो बोलना क्या चाह रहे हैं वो समझ नहीं पाओगे. ही कैन जनरेट साउंड बट ही कैन नॉट डिलीवर स्पीच. वो बोल नहीं पाएंगे, आवाज निकाल सकते हैं पर बोल नहीं पाएंगे. तो ऐसे बच्चे जो जन्म से ही बहरे हैं, वो ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे बोलने में भी मतलब गूंगे भी हो ही जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो नहीं वॉइस निकाल पाएंगे, दूसरी आवाजें निकाल सकते हैं बट कम्युनिकेट करना इज नॉट पॉसिबल. सो मूविंग फॉरवर्ड, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर द हियरिंग इम्पेयरमेंट हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ जाने की वजह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे आ गए हैं जो पार्शियली डिसेबल हो, सुन नहीं सकते हो, तो उनको भी सुनने में हेल्प कर सकते हैं. प्लस जो पूरी तरह सुन नहीं सकते वो भी इजीली अपनी लाइफ जी पाए, वैसे इंस्ट्रूमेंट काफी कुछ आ गए हैं, उतनी टेक्नोलॉजी हमने इजाद कर ली है. सो धीरे धीरे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 20-25 साल बाद हो सकता है कि हर चीज का रिप्लेसमेंट हमें मिल जाए, कान नाक आंख सभी का आर्टिफिशियल, ऐसा नहीं कि डोनेट किया, आर्टिफिशियली आपको रिप्लेसमेंट मिल जाए. सो दैट मे बी ऑल्सो पॉसिबल. मूविंग फॉरवर्ड, society can do much to improve the living environment for the hearing impaired and help them live normal life. For example, hamari society, maine pehle bhi bola tha, sensitivity hamari society ki kam ho jayegi. Koi bol nahi sakta, koi sun nahi sakta, to uska mazak banana, usko taane marna, koi aisi cheez karna jisse uska mazak bane. So we are very insensitive with respect to the disabled people, जिनको ऊपर वाले ने कोई कमी दी है उसके प्रति हम बहुत insensitive हो जाते हैं, help भी नहीं करते, और करते हैं तो कुछ अलग ही तरीके से help करते हैं जिससे उसकी बेइज्जती हो. So it's not good. So for us it is very important to point out कि कोई और कर रहा है तो आप उसको रोको मत, बस बताओ तो सही कि ये बुरी बात है. आप उसको ये मत बोलो कि मत करो, क्योंकि करोगे तो वो झगड़ा करेगा. डोंट डू, बट पब्लिकली यू हैव टू से इट्स अ बैड थिंग, यू शुड नॉट डू दिस. ऐसे मत बोलो, इट्स अ बैड थिंग, दैट्स इट. ऐसे बोलोगे फिर भी सोसाइटी में काफी फर्क आता है. चुप बैठने वाले सोसाइटी को बदल नहीं सकते और बोलने वाले भी नहीं बदल सकते, दैट इज फॉर श्योर. बट आप बोलने से एक 1% 2% इफेक्ट पड़ता है जो सालों के बाद 10% तक पहुंचता है और उसके सालों के बाद 100% तक पहुंचता है. सो इफ यू आर डूइंग समथिंग दैट इज ओनली 1% और 1.5%, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उससे बहुत काफी कुछ फर्क पड़ता है. सो ऑलवेज यू हैव टू बी विजनरी, दूर तक सोचना है और हो सके उतना सेंसिटिव होना है फॉर एवरीथिंग, फॉर एनिमल्स ऑल्सो. आपने देखा होगा कि कोई बच्चा रास्ते में चल रहा है, कुत्ता देखा नहीं कि उसको पत्थर मार दिया, भाई उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? यस और नो? सो यू हैव टू बी सेंसिटिव विथ एवरी लिविंग बींग, हर कोई जिसमें जान है. अभी जान तो आपने दी नहीं, ऊपर वाले ने दी है. सो यू हैव टू बी सेंसिटिव इनफ टू एवरी लिविंग बींग, सो एवरी वन कैन बी रिस्पेक्टेड. यस और नो?
मूविंग फॉरवर्ड, सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव लिविंग एनवायरमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड हेल्प देम लिव नॉर्मल लाइफ. इतना हेल्प करना है कि वो अपने नॉर्मल लाइफ तो जी सके. मूविंग फॉरवर्ड व्हाट यू हैव लर्न. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर साउंड यहीं पे कंप्लीट होता है और इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन वी विल डू अ रिविजन ऑफ द होल चैप्टर व्हाट यू हैव लर्न. उसको पूरा रिवाइज कर लेंगे ताकि हम अच्छे से उस चैप्टर को फिर से समझ पाए. अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो तुरंत ही कमेंट कीजिए और रिवाइज करते रहिए. एंड टिल देन थैंक यू सो मच.